शंकर जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं इकबाल पन्नू आंटी को। पन्नू आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सब भागा वाले हो जिनको ऐसे गुरु मिले, और मैं भी अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ जिसको गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिला है। गुरु जी से हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड पन्नु अंकल बहुत देर से उनसे जुड़े हुए हैं, जब गुरु जी कॉलेज में पढ़ते थे। तो क्या था कि गुरु जी की क्लास लगी हुई थी, पन्नु अंकल उनको पॉलिटिकल साइंस का पीरियड था, पढ़ा रहे थे क्लास में। ये 1967 की बात है, लॉन्ग बैक। तो क्लास में दो बॉयज आपस में बातें कर रहे थे। पन्नू अंकल ने जब लेक्चर दिया, बाद में उनको खड़े कर लिया कि बताओ मैंने क्या पढ़ाया है, क्योंकि वो बात लड़के तो बातें कर रहे थे, उनका तो पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं था, वो बता ना पाए। तो पन्नू अंकल ने बोला कि अगर बातें करनी है तो क्लास से बाहर चल जाया करो, वरना क्लास में ध्यान से बैठा करो। जब पीरियड खत्म हुआ, ये बाहर निकले, तो ये गुरुजी उनके पीछे आ गए। आकर बोलने लगे कि प्रोफेसर मित्र ना क्लास से सवाल पूछ लिए, मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप समझेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई। तो ये बड़े हैरान हुए, क्योंकि ये भी नए नए फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, एडहॉक लगे हुए थे वहां। इन्होंने स्टाफ रूम में जाकर बोला कि निर्मल सिंह नाम का लड़का मेरे को ऐसे बोल गया। वहां जो स्टाफ मेंबर्स बैठे थे, पुराने थे, वो कोई कहे वो फकीर है, कोई कहे वो भगत है, कोई कहे उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं, तुम गुस्सा मत करना अगर ऐसे बोल गया। पर पन्नू अंकल को एक क्यूरियोसिटी सी रही भी, क्या बात, इस लड़के ने इतनी हिम्मत की जो मेरे को ऐसे बोल गया, समथिंग डिफरेंट। चलो बातें होती रही, तो फिर इनका वो सारा सेशन खत्म हो गया। एडहॉक थे इसलिए वहां से नौकरी छोड़ दी, अमृतसर चले गए। तो गुरुजी ने सोचा भी पता नहीं अब कहाँ चले गए, अब वापस नहीं आए। तब गुरुजी उस समय की बात है कि बीए सेकंड ईयर में पढ़ते थे, तो अमृतसर ये खालसा कॉलेज में 2 महीने पढ़ाने के बाद इनकी फिर गवर्नमेंट कॉलेज राड़ा साहब, जो गुरुजी के गांव के नजदीक ही पड़ता है, द्राहा कैनाल है जो, उसके ऊपर है वो, वहां अपॉइंटमेंट होगी, सिलेक्शन होगी परमानेंट जॉब के लिए। गुरुजी को कॉलेज में फिर पता चल गया कि पन्नू अंकल राड़ा साहब आ गए। तो गुरु जी का गांव क्योंकि दूर नहीं था राड़ा साहब से, वो साइकिल पर ही पन्नू अंकल को मिलने आए कि हाँ मेरे को प्रोफेसरों ने बताया कि आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ हो गई, तो मैं आपको इसलिए मिलने आया हूँ। ऐसे इनकी बातें चलती रही, मिलते जुलते रहे, कभी कभी जब जब भी गुरु जी को टाइम मिलता इधर आने का तो मिल जाते थे। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, 73 में हमारी शादी हुई, तो हमारी ट्रांसफर भी हमने मलेरकोटला करा ली। तब तो गुरुजी को मिलना और भी इजी बन गया। गुरुजी ने पहले बीए की, फिर इकोनॉमिक्स की, एमए की, फिर इंग्लिश की देहरादून से। तो जब उन्होंने पिंड जाना होता था तो मलेरकोटले से ही इधर उधर जाया करते थे, आते जाते इनको कॉलेज मिल जाते थे। फिर हम भी मलेरकोटला में रहने लगे, तो हमारा जो हमने रेंटेड हाउस लिया वो बस स्टैंड के पास ही था। गुरुजी को भी इजी हो गया कि वो घर आने लगे। गुरुजी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब अपने गांव आते थे, मोस्टली संडे को हमारे घर भी आ जाते थे। ऐसे सिलसिला चलता रहा कि गुरुजी कई बार सुबह ही आ जाते थे, शाम तक बैठे रहते थे।
ड्राइंग रूम में बैठे रहना, पन्नो अंकल ने पास भी बैठे रहना कई बार, क्योंकि संडे का दिन होता था, कुछ घरेलू काम भी करने होते थे, तो इन्होंने कहना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उन्होंने कहना हाँ हाँ जाओ मैं बैठा हूँ, तो 8-8 घंटे भी बैठे रहना, फिर जब जाना कई बार बताकर भी ना जाना, कई बार बोल जाना कि मेरे गांव की बस लास्ट बस जाने वाली है मैं जा रहा हूँ। तो फिर गुरु जी चंडीगढ़ चले गए, वहां रहने लगे, तो पन्नू अंकल भी चंडीगढ़ उनको मिलने जाते रहे, वहां वो किसी मिनिस्टर के घर एक कमरे में रहा करते थे, तो वहां कई कोई एमएलए कोई मिनिस्टर्स वगैरह उनको मिलने आया करते थे। इधर से जब जे जाते थे तो गुरुजी 9 बजे से पहले उस मिनिस्टर के घर रहते थे, बाद में कहीं कोई ले जाता था उनको कहीं, तो ये उससे पहले पहले चंडीगढ़ पहुंच जाते थे। ऐसे ही मिलना रहा, हमारे बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो प्रोफेसरों ने बोला कि पनु आप पूछ लो उनको आपके 3 बेटियां हैं, ये कहते नहीं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तो मंगन की कोई लोड़ नहीं, अपने सच्चे मन से जाओ तो सब कुछ मिल जाता है। चलो वहां गुरु जी रहे चंडीगढ़ में, उसके बाद गुरु जी जलंधर चले गए, ये कभी कभी जलंधर भी जाते थे, पर उसके बीच में ही हमारी ट्रांसफर भी लुधियाना की हो गई, फिर हमको भी थोड़ा सा इजी हो गया, इनको भी वहां जाना इजी हो गया, तो गुरु जी इधर उधर आते जाते लुधियाना हमारे घर आ जाते थे, काफी आते थे, हर समय हमको यही लगा रहता था कि गुरु जी अब भी आएंगे अब भी आएंगे, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए। एक बार गुरु जी शाम को आ गए, शाम को नहीं रात को आए, तो हमने कहा कि चाय बनाते हैं, चाय बनाने लगे तो गुरु जी कहते चलो मैं भी देखता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ आज। देखा तो हमारी मेड नहीं आई थी, दोपहर के इतने बर्तन पड़े, हम भी लेजी हो जाते थे कि अब मेड अभी नहीं आई, फिर कल को आकर कर देगी, बर्तन और निकाल लेते हैं। तो गुरु जी ने चाय बनाई, किचन में गए, हमको अच्छा नहीं लगा कि इतना गंद पड़ा है किचन में, बर्तन पड़े हैं जूठे। उस दिन से हमने कभी भी बर्तन ऐसे नहीं रखे थे, अगर मेड नहीं आती तो क्लीन करके रखते थे, किचन बिल्कुल टिप टॉप रखते थे कि गुरु जी का कोई पता नहीं कब आ जाए। फिर हम कभी गए नहीं, जलंधर नहीं गए थे, पन्नू अंकल अकेले ही जाते थे, गुरु जी तो घर में आ जाते थे, हमने पन्नू अंकल को बोला कि हमें भी ले चलो, हमने जलंधर जाना है, तो हम जलंधर गए, सुबह ही चले गए, जो गए सुबह 8 बजे चले गए, तो गुरु जी ने सारा दिन नहीं आने दिया, रात को 8 बजे आए, कहते नहीं अब रुको रुको और रुको, बच्चे बड़े परेशान, मैं और पन्नू अंकल दोनों ही गए थे, तो ये बोले कि मम्मी डैडी गए हैं अभी तक आए नहीं, हमारे एक साथ में अंकल रहते थे वो कहें कि कोई फोन भी नहीं कोई बात भी नहीं, पता नहीं क्या बात है इतनी देर हो गई, क्योंकि वहां से आने को हमारा मन भी नहीं करता था, तो वहां क्या देखते थे जब जाते थे गुरु जी, सुबह संगत आती थी तो सभी को जल प्रसाद और चाय प्रसाद देते थे, 12 बजे के करीब 12-1 बजे सबको छुट्टी कर देते थे, पर हम वहां रहते थे, हमारे को कहते थे नहीं आपने नहीं जाना, आप बैठो इधर ही बैठो, कई बार हमने कहना कि गुरु जी हम चले जाएं, तो वो कहते थे बहन जी क्या ना करो के जाना, जल्दी ना करया करो, तो तुसी फिर मैनू तारियां विचो लभ्या करोगे, हुण मौका लाहा लै लो। हम नीचे बैठे होते थे तो गुरु जी हमारे पास आकर नीचे ही बैठ जाते थे, हम उनके आले दुआले बैठ जाते थे, तो अब वो समय याद आ रहा है जब मैं बाहर निकलती हूँ आसमान में तारे देखती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि आप मेरे को तारियों में ढूंढोगे,
स्टार्स में देखोगे कि कहाँ है गुरु जी। अब जब ऊपर को देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि हर स्टार में ही गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। चलो ऐसे गुरु जी की शक्ति भक्ति बढ़ती गई, शक्ति बढ़ती गई। पहले पहले उनका जो देखने का तरीका था वो एक नॉर्मल स्पून लेते थे, नॉर्मल स्पून को वो स्टेथोस्कोप बोलते थे, स्टील का स्पून होता था जिसके जहां भी कोई तकलीफ होती थी तो वो स्पून लगाते थे। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते थे, पान के पत्ते से, पान के पत्ते मंगवा कर ब्लेस करके दे देते थे। तो मेरी बेटी को बुखार चढ़ता था तभी हम गए थे, हमने कहा कि अब हम चलेंगे जरूर। इसका बुखार 99 रहता था और कम नहीं होता था। हमने एलोपैथी होम्योपैथी सब पैथियां ट्राई कर ली तो आराम ना आया। वहां गए, गुरु जी को बताया, गुरु जी कहते 5 रुपए की हरी मिर्ची मंगवा लो। मिर्ची मंगवा ली, वो मिर्ची उन्होंने ब्लेस करके दे दी तो हमको बोले कि मिडिल फिंगर के आसपास दोनों मिर्ची को बांध देना, सुबह 1 घंटा 1 घंटा शाम को। हम वो बांधते रहे, 3-4 दिन बांधी और हमको बोले कि परसों को इसका फेस बिल्कुल रेड हो जाएगा, घबराना नहीं, इसको गन्ने का जूस और अनार का जूस देना है। वही बात हुई, 3rd डे हुआ तो उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया पर बुखार हट गया। तो ये गुरु जी की महिमा है। वो कहते थे कि मेरे पास आओ, बॉडी माइंड एंड सोल मेरे पास सरेंडर कर दो, आपका सारा कल्याण होगा। मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे बच्चे या जो हमारी लाइफ है सब उन्हीं की ही ब्लेसिंग्स हैं, उनके बगैर कुछ भी नहीं। अब तो हमको ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हम अमेरिका में रहते हैं, 2007 में हम चले गए थे वहां, उधर भी हर हफ्ते कहीं ना कहीं सत्संग होता है और इतने ज्यादा सत्संग हो रहे हैं। हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, वहां भी बहुत सत्संग होते हैं। कैनेडा में भी हम गए, वहां भी देखा कि बहुत लोग हैं, हर जगह क्या, हर दुनिया के हर कोने में उनकी महिमा हो रही है। वही बात है कि आसमान में तारों में ढूंढोगे तो वो सारे या दुनिया के सारे आसमान में फैल गए हैं, लोग उनको इतना मानते हैं, इतनी महिमा हो रही है। सो गुरु जी को सच्चे मन से याद करो, मन में अपने कोई भी किंतु परंतु लेकर मत जाओ। कई लोग जाते हैं तो गुरुजी उनको पहले ही बोल देते थे, क्यों लेट्स ट्राई में आई हो, ऐसे कुछ नहीं बनता। कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, आना है दरवाजे के बाहर सारा कुछ रख कर आओ। तो हमको गुरुजी के चरण सेवा का बहुत मौका प्राप्त होता था, सुबह जाना शाम तक बैठे रहना, तो गुरुजी जरूर बुला लेते थे अपनी चरण सेवा के लिए। जिस दिन नहीं बुलाते थे तो हमको ऐसे लगता था कि आज तो आना हमारा बेकार ही हुआ कि गुरुजी ने अपने पास नहीं बुलाया। तो मैंने देखा कि गुरुजी के जो नेल्स थे पहले बिल्कुल वाइट होते थे, धीरे धीरे क्या होता गया कि वो ब्लैक हो गए। एक दिन मैं जब ऐसे चरण दबा रही थी तो मैंने पूछा, बात की, मैंने कहा गुरुजी आपके नेल्स को क्या हो गया, ये ब्लैक हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बहन जी मैं जो रात को भक्ति पे बैठता हूँ, उनका जो रूम था जलंधर रूम है, मैरून कर्टन होते थे, मैरून ही बेड कवर होता था, मैरून ही नीचे कारपेट था, कि मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूं तो मेरे नेल्स ग्लो करते हैं, इनमें से लाइट निकलती है, उस लाइट से ये बर्न हुए हैं। और उनकी जो बॉडी पार्ट्स थे हर पार्ट से अलग अलग की खुशबू आती थी। हम अपने घर में बैठे भी कई बार ऐसे याद करते थे,
तो कई बार हमारे अमृत वर्षा होनी, मैंने कहा ना ये फ्लोर पे पानी कैसे आ गया, अभी तो वो पोचा लगा कर गई है, अभी तो ड्राई था, पर इतनी समझ नहीं थी तब कि ये गुरु जी की वर्षा मेहर हो रही है, वो अमृत बरखा कर रहे हैं। और कई बार क्या होना कि स्ट्रिंग्स गोल्डन और सिल्वर स्ट्रिंग्स होती थी एक एक मीटर लंबी, वो कभी हमारे बेड पे पड़ी होनी, कभी कहीं कभी कहीं, तो हमने सोचना भी ये स्ट्रिंग कहाँ से आ गई हमारे घर में, ना किसी के ऐसे कपड़े हैं, ना जो मेड आती है उसके होते हैं, पर बच्चे क्या करते थे उसको इकट्ठी कर लेते थे, इकट्ठी करके रख लेना अपने पास। ऐसी एक बार गुरुजी से बात हुई तो वो कहते मैं आता हूँ आपके घर में, मैं वो निशानी छोड़ के आता हूँ, कभी आपके हेडबोर्ड पे पड़ी होती है बेड के, कभी कभी टेबल पे होती है, कभी कहीं कभी कहीं। इसी तरह अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरी बेटी जो वर्जीनिया में है वो डेंटिस्ट है, उसके हस्बैंड को टेम्परेचर हो गया, तो वो अपने क्लिनिक पे गई, उसने देखा कि उसके ऑफिस में टेबल पर दो स्ट्रिंग्स पड़ी हैं। वो बड़ी हैरान हुई कि ये स्ट्रिंग्स यहाँ कैसे आ गई, ये गुरुजी दर्शन दे गए, अब मेरे हस्बैंड सिख हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिर उनके घर में भी ऐसे हम बैठे थे, एकदम ऐसे ऊपर से आई तो किचन के काउंटर पर आ गई, हमने ऐसी आती भी देखी है उठाई भी है। तो ऐसे गुरुजी मेहर करते हैं जब, तो अपना प्रतख दिखाते भी हैं। बात यही है कि तुम अपना पूरा मन साफ करके गुरुजी के पास जाओ, ज्यादा कोई ज्यादा पाठ पूजा करने से ऐसे नहीं बात बनती। वो कहते थे कि जे मन होवे चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, मन साफ होना चाहिदा, ईमानदारी की कमाई करो, किसी से कोई ठगी मकारी ऐसी बात मत करो। तो जो जो मेरा गुरुजी ने मेरी फैमिली पे की है, जिस मकाम पे मेरे बच्चे पहुंचे हैं, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। बड़ी बेटी मेरी BDS की अमृतसर से, छोटी ने PhD की पटियाला से, उससे छोटी ने MBA की, उनकी शादियों भी गुरुजी ने ही की, पूरी मेहर की उन पर। हम गुरुजी को अपना लड़के की फोटो दिखाते थे जाकर, तो पहले ही बोल देते थे कि लाओ कौन से लड़के की पिक्चर लेकर आए हो, देखते थे तो कहते थे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है शादी कर लो। वाहिगुरु की गुरुजी की कृपा से सारा कुछ ठीक है, उन्हीं की मेहर है। बड़ी बेटी है, उसने कोई वहां टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो वो वहां एक हॉस्पिटल में डेंटिस्ट लगी बॉस्टन में पहले, उसके बाद उसने वहां रेजिडेंसी भी कर ली, जो रेजिडेंसी की वो भी उसकी सिलेक्शन हो गई, तो उसको फेडरल फंडिंग से $50,000 स्कॉलरशिप मिला है, उसकी एजुकेशन फ्री हुई है। अब उसने अपना क्लिनिक खोले हुआ है 2014 से, वो अपना अच्छा क्लिनिक चला रही है। तो उससे छोटी है जो वो PhD करके गई थी, उसकी PhD एज इट इज वहां अप्रूव हो गई, और वो जो FBI है वहां की पुलिस या जो भी जस्टिस सिस्टम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अकेले अमेरिका के लिए नहीं और भी कई कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है, इंग्लैंड है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके लिए भी DNA टेस्टिंग किट्स जो होती हैं वो पुलिस वाले यूज करते हैं, उनमें जो ट्रबल आ जाती है उनकी ट्रबल शूटर है। बड़ी अच्छी जॉब मिली हुई है गुरुजी की कृपा से, बच्चे हैं उनके, बेटे हैं, बड़ी बेटी के दो, छोटी बेटी के एक बेटी है एक बेटा है। जब ये बेटी हुई तभी भी गुरुजी ने बोला
बेटी हुई है 17 में, तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि आपके, तब वो कंसीव भी नहीं किया था उसने, पर तो उसको एक दिन रात में बोल गए कि आपके नवंबर में बेटी होएगी। तो वही बात हुई, 16 नवंबर को बेटी का बर्थ हुआ। इस तरह गुरुजी हमेशा मेरा करते रहे। हमारा जो घर है लुधियाना में, वो भी गुरुजी की मेहर है। गुरुजी को हर समय चिंता लगी रहती थी कि भी आपका घर बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले हम रेंट पे रहते थे। एक दो प्रॉपर्टी डीलर को गुरुजी ने बोला कि पनु साहब के लिए कोई घर देखना, ये मेरे प्रोफेसर है, तो अच्छा घर हो, कोई सस्ता और अच्छी लोकेलिटी में हो। चलो, वो सोचते हैं ऐसे बोल दिया, तो वो प्रॉपर्टी डीलर ने कोई ध्यान ना दिया। 15 दिन बाद जब वो गया तो गुरुजी कहते हैं, हाँ फिर देखा घर कोई ना ले? वो कहते नहीं गुरु जी, टाइम नहीं मिले। कहते बस यही गुरु की बात है, एक गुर पीरां दी चाकरी अत औखी सुख सार। गुरु जी तो ये मानते हैं, जो वो सहज स्वभाव भी कहते हैं, हम उसको कितना फॉलो करते हैं उनका, ये ऐसे कहने को बेकार मत समझो। जो वो बोल देते थे कुछ मीनिंग होता था, कुछ कसौटी पे वो बोलते थे कि ये इंसान कितने कसौटी पे उतरता है। बाकी ट्रीटमेंट तो वो कहते थे कि हमको कोई ऐसा बाबा दिखाओ जो फ्री में ऐसे ही ट्रीटमेंट कर देता है। हम तो बता नहीं सकते कि हमारे पर कितनी मेहरबानियां की। ऐसे गुरु जी के पास एक बार पनु अंकल गए, वहां कुछ आर्मी ऑफिसर्स बैठे थे, तो गुरुजी आर्मी वालों का कुछ स्पेशल ध्यान देते थे। कहते थे कि ये लोग देश की सेवा के लिए हैं, इसलिए हमको भी इनका ध्यान रखना चाहिए। उनको बोलते हैं कि ये मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे गुरु हैं, इनसे मिलिए। तो पनु अंकल ने बोला कि गुरुजी ऐसे मत कहो। कहते नहीं नहीं मैं सही बात बोल रहा हूँ। हुआ क्या कि इनको एकदम ऐसे झुंझुनाहट सी हुई और शिवरिंग शुरू हो गई। ये वहां मंदिर में जलंधर बैठे थे, तो ऊपर चले गए, धूप में बैठ गए, वहां इनको चाय वाय ऊपर जाती रही, वो प्रसाद चाय का ये लेते रहे। फिर शाम को ये घर वापस आए तो खूब टेम्परेचर हुआ। मैंने कहा भी जलंधर तो जाते हैं ठीक होने के लिए, आप वहां से बुखार कराया? तो ये कहते हैं नहीं, आज तो मेरे को गुरुजी ने बुखार कर दिया। मैंने कहा अच्छा, फिर कोई टैलेनॉल ले लो, कोई दवा ले लो। कहते नहीं दवाई नहीं लूंगा, गुरुजी ही आएंगे, मेरा बुखार ठीक करके जाएंगे। मैंने कहा क्या बातें करते हो, ऐसे गुरुजी कैसे आपके पास आ जाएंगे? तो हम तो हर समय गुरुजी का इंतजार करते रहते थे, क्योंकि यही सोचते थे कि अभी भी आए, अभी भी आए। हमारा मन ऐसे ही कहता था और पता भी नहीं चलता था जब गुरुजी गेट पे खड़े होते थे। तो वही बात हुई, सुबह बेटी ने बोला कि पापा दवाई ले आओ। कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती अच्छा, अगर आपने नहीं जाना तो हमारे नेबर में डॉक्टर रहते थे, कहती मैं अंकल से दवाई लेकर आती हूँ आपकी। तो उन्होंने दवाई लिखकर दे दी, कहते ऐसे करो भी स्टोर से ले लो। एक स्टोर से मिली ना, तो बेटी मेरे को बोलती है मम्मा एक स्टोर से मिली नहीं, अब मैं दूसरे पर जा रही हूँ। जब उसने बेल की तो उसने देखा घर के बाहर हमारे दो गाड़ियां खड़ी हैं, तो वो समझ गई, उसने सोचा कि ये जरूर गुरुजी आ गए। सुबह गुरुजी 10:30 बजे ही वहां से संगत को लेकर हमारे वहां पहुंच गए, और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। ऊपर आते ही सीधे पनु अंकल के कमरे में गए और इनकी बांह पकड़कर खड़ा कर दिया। कहते उठो क्यों पड़े हो? तो ये कहते गुरुजी कल तो आपने मेरे को बुखार कर दिया वहां। कहते हाँ हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ, मेरे को पता था कि ये आपका बुखार दवा से ठीक नहीं होता, मेरे को ही आना पड़ा, इसलिए मैं आ गया हूँ। सो ऐसे फेथ की बात है, फेथ रखो तो सब कुछ मिल जाता है।
ऐसे गुरु हैं जिनको हर की चिंता है, आपका ट्रीटमेंट सपने में भी कर जाते हैं, टेलीपैथी से करते हैं, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या बताए हम, कि हमारे पास तो कोई लफ्ज भी नहीं है। अभी की बात बता देती हूँ। एक बार मेरे को 99 में क्या हुआ कि ब्रीदिंग इश्यू बहुत हो गया, बड़ी मुश्किल से मैं डॉक्टर के पास पहुंची, सांस नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इमरजेंसी में दाखिल हो जाओ, आपकी हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल में उसने फोन कर दिया कि इनको जल्दी से एडमिट करके ऑक्सीजन लगा दो और मैं पहुंच रहा हूं। उन्होंने मेरे जाते ही ऑक्सीजन लगा दी और वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी वहां पहुंच गया। जब वो सुबह अगले दिन मेरी हार्ट की इको की, ईसीजी की सारी बिल्कुल खराब, मेरी हार्ट फंक्शनिंग 25% थी सिर्फ, तो बड़ी घबराहट हुई कि इतनी हार्ट फंक्शनिंग रह गई है, 25% से कितनी देर लाइफ निकलेगी। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा घबराने की कोई बात नहीं, हमारे तो गुरुजी हैं। तब गुरुजी 99 में दिल्ली आ गए थे, तो वहां हमारे एक पनु अंकल के फ्रेंड की सिस्टर थे, उनको कॉल की हमने कि बेटिया ने कि आंटी आप जाओ गुरुजी को बताओ कि मम्मी का हार्ट ऐसे हो गया है, डॉक्टर कहते हैं कि 25% ही वर्किंग है इसके हार्ट की। तो उन वो कहते हाँ मैं शाम को जाऊंगी। उन्हें जाते मंदिर गए, अंपायर स्टेट गुरुजी थे, जाते ही बोल दिया कि गुरुजी इकबाल को तो ये इश्यू हो गया, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। और गुरुजी इतना हंसते इतना हंसे और ऐसे हाथ मार रहे हैं कि उसको उसको तो हार्ट प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती, डॉक्टर ने गलत बोला है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है उसको, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई हार्ट इश्यू नहीं है। तो नेक्स्ट डे हमको फोन आ गया कि गुरुजी तो हंस रहे थे, इतना हंसे कि ऐसे हाथ मार रहे थे और कह रहे थे कि उसको तो हार्ट इश्यू हो ही नहीं सकता। वही बात हुई उसके थर्ड डे जब मेरा फिर इको करी हार्ट की और ईसीजी की, ईसीजी भी नॉर्मल आया और जो मेरे हार्ट की फंक्शनिंग थी वो 72% आई, जो कि दो दिन पहले 25% सी। तो इसी तरह एग्जैक्ट सेम अभी मेरे साथ क्या हुआ, 22 में मैं अमेरिका में थी, अब मैं एक महीना ही हुआ है वहां से आई हूं, तो मेरे को कोविड हो गया। घर में थी, कोविड का कोई सिम्टम नहीं था, थोड़ी सी ब्रीदिंग इश्यू थी, मैंने कहा ऐसे ही होगी, तो बेटी फटाफट मेरे को एमरजेंसी ले गई। एमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा मेरा कोई भी टेस्ट ठीक नहीं था, एवरीथिंग वाज अफेक्टेड, एंड सेम स्टोरी फिर रिपीट हुई कि मेरी हार्ट फंक्शनिंग थी वो फिर 25% थी और लिवर किडनीज सब पे इफेक्ट हो चुका था, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, शुगर बहुत बढ़ चुकी थी, और मैं बेटी को कह रही थी कि मैं जा रही हूँ अब बस, मेरी मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी मेरे को। उन्होंने फटाफट ऑक्सीजन लाती तो अपना ट्रीटमेंट शुरू करके टेस्ट के बाद मेरे को रिपोर्ट दी और बोले कि आपको साथ में कोविड हो गया है, और कोविड ने मेरी सारी बॉडी पे इफेक्ट कर दिया। तो मेरे को उन्होंने क्रिटिकल केयर में भेज दिया, मैं वहां पड़ी हूँ, ये सोच रही हूँ कि नहीं ये जो हार्ट वाली बात है ना ये तो बिल्कुल गलत है, 25% हार्ट नहीं हो सकता मेरा, जब गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया हुआ है तभी भी 25 वर्किंग रह गई थी, अब भी 25 है, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत यकीन था। तो फिर मेरे को उन्होंने शिफ्ट करके एक आईसीयू में, ग्लास हाउस बने होते थे वहां, ग्लास हाउस में डाल दिया, तो ऊपर बड़े बड़े मॉनिटर लगे होते थे, डॉक्टर बाहर से ही देखते थे कि इसकी क्या कंडीशन है कैसे है, तो ऑक्सीजन लगी, दवाइयां
सभी तरह की दवाइयां लग गई। तो एक हार्ट का फिजिशियन था, वो सुबह मेरे पास आता था तो रोज ही आकर बोलता था कि मिसेस पनो, वी आर वरीड अबाउट योर हार्ट, यू हैव ओनली 25% वर्किंग हार्ट, सो लेट्स सी हाउ टू मैनेज, एंड आपको वेंटिलेटर पे लगा दिया ना मेरे को तभी भी, तो आपको घर में भी वेंटिलेटर दे देंगे, कुछ दवाएं देंगे, उससे आपका गुजारा चलता रहेगा। पर मैं बिल्कुल 100% श्योर थी, मेरे को बेटियां के फोन ही आते थे, मिल तो कोई सकता नहीं था। मैं उनको पता चला कि मम्मी की ये कंडीशन है, वो भी यही कहती थी कि मम्मी गुरुजी आपके साथ हैं, और मेरे को फील होता था जैसे मेरे पास एक कमरे में सोफा होता था, और कई बार मेरे को ऐसे फील होना कि गुरुजी जहां बैठे हैं, कई बार मेरे बेड पे बैठे फील होना मेरे को, व्हाइट ड्रेस में होते थे हमेशा। तो इतने मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरे हार्ट को कुछ नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। तो तीसरे दिन बाद क्या हुआ, फिर मेरी इको की उन्होंने, तो सेम स्टोरी रिपीट हो गई कि मेरी हार्ट फंक्शनिंग थी वो 72% होगी, और उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा, इट्स लाइक ए यंग प्लेयर, हर हार्ट इज वर्किंग। पर उन्होंने तो फिर अपने सारे टेस्ट वगैरह किए, डॉक्टर मेरे को एक सर्जन आया हार्ट का, वो कहता कि अगर आपकी कोई आर्टरी ब्लॉक होगी तो हम आपके स्टेंट डाल देंगे। एक बोले कि अगर ये स्लो पेस से चल रहा है हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। चलो मैंने कहा जो मर्जी कर लो, पर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। 10 दिन के बाद मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और सारे उन्होंने टेस्ट कर लिए। अल्टीमेटली उन्होंने यही किया, रिपोर्ट दी कि इट वाज एट्रियल फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट एंड अरिथमिया, सो उसकी दवा दे दी। अब वो दवा खाती रही, खाते खाते बल्कि फिर मेरी जो हार्ट रेट था वो थोड़ा सा स्लो होने लग गया। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, उस डॉक्टर ने मेरे को एक और डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर था, उसके पास भेज दिया हार्ट वाला। तो वो कहता कि आपकी सर्जरी होगी हार्ट की, हार्ट अवलेजन करेंगे, कुछ प्रोसीजर होगा उनका। पर जब उसने भी टेस्ट किया तो वो कहता है नो, आप अपना ना स्लीप एपनिया का टेस्ट करा लो, आपकी सर्जरी तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपकी एज भी है, वेट भी है, सारा कुछ है। तो हार्ट एवलेशन कुछ सर्जरी करता था, कहता मे बी ड्यू टू कोविड, इट्स ऑल मे बी ड्यू टू कोविड। वहां से भी छुट्टी हुई, फिर मैं स्लीप एपनिया का टेस्ट कराया, वहां उन्होंने देखा कि थोड़ी सी इश्यू है स्लीप एपनिया की, उन्होंने मेरे को मशीन दे दी, वो मैं रात को लगा कर सोने लगी। जब पर मेरी हार्ट रेट कम होती गई क्योंकि वो मेडिसिन चल रही थी हार्ट को स्लो करने की, तो फिर गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कि नहीं, उसने मेरी वो दवा 50% करके मेरे ECG मॉनिटर कर ली, घर में सारा कुछ लगा कर भेज दिया कि एक हफ्ता तुम्हारी ECG मॉनिटर करेंगे फिर देखेंगे क्या है। तो मैंने कहा क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, वही बात हुई। हफ्ते बाद वो उतारी गई, उन्होंने फिर इको की, तो वो ही 70% अबव 70% मेरी हार्ट की दवा वर्किंग आई, सारा कुछ गुरु जी की महिमा से ठीक हो गया, क्योंकि मैं आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे हार्ट को कुछ नहीं होगा। इसी तरह गुरुजी ने एक बार ना हमको सिल्वर कॉइन्स दिए थे, उसके एक तरफ से तो गुरुजी के चरण स्वरूप है, एक तरफ गुरुजी का अपना स्वरूप है, और नीचे 7 जुलाई लिखा हुआ है। तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास कितने हैं, मैं एक या दो समझती थी। लास्ट टाइम जब मैं कोविड में इंडिया आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो
जो गुरुजी से प्रसाद के रूप में मिलता था, कोई उनकी पिक्चर, कोई पेंडेंट, कुछ भी, जहां जो वो स्ट्रिंग्स हमको मिलती थी कमरे में, वो उस कमरे उसमें रख देती थी। तो जब मैंने उसमें देखा तो मेरे को वो 3 कॉइन्स मिले, तीनों। इसका मतलब मैंने कहा कि गुरुजी ने तीनों बेटियों के लिए ही दिए हैं। तो मैंने, एक बेटी मेरी गुड़गांव रहती है, एक उसको दे दिया, दो मैं अपने साथ ले गई। वहां क्या हुआ, जो बड़ी बेटी है डेंटिस्ट है, उसके हस्बैंड को बुखार हो गया। वो डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला कि वायरल है, वायरल भी ठीक ना हुआ। फिर उसने बोला कि मे बी निमोनिया है, और उसकी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही थी कि शिवरिंग से उसको टेम्परेचर होता था, तो आई साइट भी कम हो रही थी। वो ऐसे बैठे थे तो कहते थे कि मेरे को टीवी पर कुछ दिखाई नहीं देता, और बोल भी नहीं सकते थे अच्छी तरह, बहुत रुक रुक के धीमी आवाज में कहते थे, बोला नहीं जा रहा। इतने वीक हो गए 2-4 दिनों में ही कि उनको पकड़ कर उठाते थे, कुछ खाते भी नहीं थे। तो मैं कैलिफोर्निया में थी, मैंने बेटी को बोला कि बेटी मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि आप तो जॉब पे भी जाते हो, थोड़ा सा मैं केयर करूंगी। जब मैं गई तो मैं वो गुरुजी का स्वरूप क्वाइंस साथ ले गई। जाते ही मैं घर बाद में एंटर की, पहले वो निकाला और बेटी को दे दिया कि इसका जल प्रसाद बनाकर उनको दो। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक, बात श्रद्धा की है, तो बेटी ने वो ही किया कि उनको जल प्रसाद बनाकर वो जल दे दिया। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा कि अब मैं आ गई हूँ, आप हॉस्पिटल चले जाओ, क्योंकि उसके बच्चों के पास रहने वाला कोई नहीं था। वो हॉस्पिटल चली गई, वहां उन्होंने जब टेस्ट की तो ऑल टेस्ट वर रॉन्ग, कोई एक भी टेस्ट ठीक नहीं था। उसको उन्होंने ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिल कर दिया। बड़ी टेंशन हुई कि ये क्या हुआ, इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट की इमरजेंसी में क्यों भेजा है उसने। तो वहां कोई पल्मनिस्ट, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो उसको चेक करने ना आया। तो फिर आई साइट भी काम हो रही थी, तो डॉक्टरों को बोला, जब वो हॉस्पिटल जाने लगी तो मैंने कहा बेटा ये गुरुजी को ना अपने साथ ही ले जाओ। वो कहती मम्मा हाँ मैं ले जा रही हूँ। उसने वो क्वाइन हॉस्पिटल में बेड पर उनके सिरहाने के नीचे रख दिया। 2-3 दिन वो टेस्ट उस्ट करते रहे। तो जब वो गुरुजी, जब पानी पीना होता था तो वो जल प्रसाद बना कर देते देती थी बेटी। पल्मनिस्ट आई, देखा उसने कि नहीं, इसके लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहने लगी मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको, लंग्स की कोई इश्यू नहीं। तो ऐसे सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग की। तो क्योंकि बेटी भी डॉक्टर है, इसने पूछा कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या इश्यू है इसको। तो वो कहते अभी तो हम टेस्ट करेंगे, हमको कुछ नहीं पता चल रहा कि इसको क्या हुआ है। तो कहती कितनी देर लगेगी टेस्टों के लिए, कहते महीना भी लग सकता है। तो वो बहुत अपसेट हुई, कहती भी ये क्या बोल दिया कि महीना भी लग सकता है, कंडीशन तो इसकी मिनट मिनट में खराब हो रही है। वो कहती अच्छा अगर आप नहीं ट्रीटमेंट कर सकते, नहीं समझ रहे, तो मैं इसको मैरीलैंड जॉन हॉपकिन, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो बड़ों का ही है, भी वहां ले जाती हूँ। तो वो कहते नहीं नहीं देखते हैं हम। बेटी का 12:30 बजे मेरे को फोन आया कि मेरे को कहते हैं कि टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद जो टेस्ट किए, सारी रिपोर्टें ठीक हो गई। और 2:30 बजे बेटी का मेरे को फोन आ गया कि मम्मा हमको छुट्टी मिल रही है, कहते हैं बस ये थोड़ी सी मेडिसिन दे दी है, घर चले जाओ और बिल्कुल ठीक है। वरना पहले 5 दिन वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं, कुछ नहीं, ये निम्फ फ्लूइड्स भी है, ये भी है, वो भी है, गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है,
और लास्ट ईयर वो सारी फैमिली फिर इधर भी आई थी, मंदिर भी आकर गए हैं, गुरु जी का शुक्राना करके गए हैं कि गुरु जी आपने हमको दोबारा जिंदगी बख्शी है। सो गुरु जी सब पर मेहरबान है, ऐसे ही सब पर मेहरबान रहेंगे। हमको तो तब खुशी बहुत ज्यादा होती है जब हम सारी दुनिया में ऐसी देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया, मेरे को वहां ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर से, कैनेडा से कॉल्स आती हैं कि आप हमको बताओ, हम मिलना चाहते हैं, हम ऐसे हैं। मैं कैनेडा गई, वहां से भी मेरे को कॉल्स आई कि आपके पास अगर टाइम है तो हम मिलना चाहेंगे जरूर। पर मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे एक शादी पे गई थी, इसलिए मिल तो नहीं पाई। पर खुशी ये होती है कि आजकल देखो गुरु जी की कहाँ कहाँ महिमा फैली हुई है, क्योंकि भक्ति बहुत की है। शिवरात्रि के नजदीक आकर तो वो कभी भी एक एक महीना उनका फास्ट होता था तो मिलते नहीं थे किसी को। वैसे भी पहले पहल जब उन्होंने भक्ति शुरू की थी, काफी देर हो गई थी, ऐसी नहीं जब से हमारा कांटेक्ट हुआ था, तो वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे 4 दिन खाते थे, बाकी सारा दिन फास्ट होता था। जैसे हमारे घर भी आते थे मलेरकोटला में, सुबह आ गए, 10 बजे आए, चाय का कप पी लिया, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, उनको बोलना कि आप भी कुछ खा लो, कहना नहीं बहन जी मेरा फास्ट है, तो अगर एप्पल काट कर देना वो भी नहीं खाना कि मेरा फास्ट है, फिर बोलना कि एक बार चाय और बना दो, कहना नहीं बस एक बार चाय पीनी थी, वो मैंने पी ली है, अब नहीं और पीनी। तो इसी तरह अब भी मिलते हैं, गुरु जी आते हैं। जैसे मेरी बेटी है वो बहुत मिस करती है, जो मिडिल वाली बेटी है, तो उसको और बड़ी को दोनों को ही वो ड्रीम में ही बता जाते हैं, वो कहते हैं कि तेरे को ये इशू है, तुम ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगी। तो मेरे को अभी अभी क्या हुआ, बर्थडे से 7 जुलाई से 15-20 दिन पहले रात को मिले और कहते हैं बहन जी एतकी तुसी मेरे जन्मदिन ते कोई गिफ्ट नहीं दिता मैंने, पिछली बार तो पन्नु साहब ने बड़ा सोहना गिफ्ट दिता सी। तो मैं चुप कर गई, मैंने मैंने सोचा कि चलो ठीक है ना, मैंने दिया नहीं, पर तभी 7 जुलाई तो आनी थी। और मैंने बेटी को बताया कि हमने कोई गिफ्ट लेना है, जब हम कहीं भी बर्थडे पर जाएंगे जहां सत्संग होगा तो वहां लेकर जाएंगे। हम चाहते हुए भी वो गिफ्ट नहीं खरीद सके, क्योंकि क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि आपने दिया नहीं मेरे को जन्मदिन पर। तो फिर उसके तकरीबन 15 दिन बाद हमने गिफ्ट खरीद कर एक सत्संग पर गए, वहां लेकर गए। तो ऐसे ऐसे उनकी महिमा है, हमारा तो बहुत कल्याण किया है उन्होंने हमारे साथ, इतने हमारे फ्रेंड्स भी जाते रहे हैं, उनका भी ऐसा ऐसा कल्याण किया है कि जो मैं आप सुनोगे तो हैरान ही हो जाओगे कि कितना कितना किस तरह गुरु जी ने सबका कल्याण करते हैं। और मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक जाओ, मन में कोई दुविधा नहीं लेकर जानी चाहिए कि पैसे पता नहीं क्या होगा क्या है। और जो लंगर प्रसाद है उसको ऐसे गुरु जी के हाथ से दिया हुआ प्रसाद समझकर एक एक कण को अपने मुंह में डालकर गुरु का शुक्राना करते हुए लेना चाहिए। इसकी एक बात बताती हूँ कि मेरी बेटी की एक लेफ्ट साइड की बांह में बहुत दर्द रहता था, बहुत ही दर्द हुआ। एक दिन हम पहले हार्ट वाले के पास लेकर गए, उसने ईसीजी वगैरह की, वो कहता ठीक है, फिर भी दर्द ना हटा, तो हम न्यूरोसर्जन के पास ले गए इसको, क्योंकि न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई। तो पन्नु अंकल ऐसे घबराहट में गए, क्योंकि बच्ची छोटी थी, कि अपना वॉलेट घर भूल गए। वो डॉक्टर सबसे महंगा था लुधियाना में,
ये कहते डॉक्टर मैं तो वॉलेट भूल आया, अभी मैं अभी पैसे दे जाता हूँ फीस आपकी आकर, घर में गए थे उसके। वो कहता नहीं नहीं आप ऐसे करो, इसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक नीडल टेस्ट कराओ और जगह भी बता दी कि उसी डॉक्टर के पास से करवानी है, तो फिर आ जाना उस दिन पैसे दे जाना। ये बोले ठीक है उस दिन दे जाऊंगा। पर अचानक क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे हम गुरुजी के पास चले गए, सुबह ही गए जाकर मत्था टेका। गुरुजी जब जाते थे बोलते थे आइए, कैसे आए, तो बड़ा ही अच्छा लगता था मत्था टेक कर। मैंने बताया कि गुरुजी बेटी की बाह में बहुत दर्द हो रहा है, अनबियरेबल पेन है, ये बुक भी नहीं उठा रही। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं लंगर खाओ पेन ठीक हो जो। वही बात हुई, लंगर खाया और बेटी के पेन हट गई। तो फिर चलो डॉक्टर ने बोला था वो टेस्ट कराने को, मैंने कहा भी टेस्ट तो करा लेते हैं। पनु अंकल को किसी काम से चंडीगढ़ जाना पड़ गया, तो गाड़ी उसकी फ्रेंड को मैंने बोला बेटा तुम ले जाओ इसको टेस्ट करवाने। वो जो डॉक्टर उसने रेफर किया था वो कंजेस्टेड एरिया में था, तो वो कहती आंटी मैं उधर नहीं जाऊं, ये एक खुले एरिया में डॉक्टर है बहुत अच्छा, उसका न्यूरो सेंटर है, वहां करवा लाती हूँ। वहां जब गई तो देखा कि वो टेस्ट काफी महंगा था, 10-15 हजार का था उस समय, तो वहां 70% स्टूडेंट्स को डिस्काउंट था, तो हमारा 2500 में वो टेस्ट हो गया। और जब वो टेस्ट हुआ नेक्स्ट डे उस डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने जब वो एनवेलप भी देखा कि ये तो मैंने वहां भेजा था, ये किसी और डॉक्टर से करवा ले, उसने ऐसे टेबल पर उठाकर एनवेल्प को मारा कि यहाँ किसने भेजा आपको, वहां क्यों गए आप, क्योंकि डॉक्टर्स का कट होता है, ये 60% कट लेते हैं उनसे। तो पनु अंकल ने बताया कि मैं नहीं था, बेटी को उसकी फ्रेंड लेकर गई, वो कंजेस्टेड एरिया में है, इधर है। चलो उसने रिपोर्ट देखी तो बड़ा दुखी हुआ, वो कहता ये गलत रिपोर्ट है, ये कैसे ठीक हो सकती है, अब पेन हो रही है। तो इन्होंने कहा नहीं, बेटी भी कहने लगी कि मेरे तो 2 दिन से कोई पेन नहीं हो रही, अब उसको क्या बताएं कि हम कौन से बड़े डॉक्टर के पास जाकर आए हैं जहां से हमारी पेन खत्म हो गई है। तो कहता ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता कि इसके पेन ना हो। तो पनु अंकल बोले चलो ठीक है अब तो नहीं हो रही, आप ऐसे करो अपनी फीस ले लो। वो उसकी उस समय में 1000 फीस थी, 2000 में। तो वो गुस्से में आकर बोला नहीं इसको भी रहने दो, मैं ये भी नहीं लूंगा। तो ये कहते आपकी मर्जी है, तो ये घर को वापस आ गए। सो गुरु जी ने इतनी मेहर की कि वो पैसा भी बचा दिया, उधर से भी बचा दिया, और तब से लेकर आज तक बेटी की बाजू बिल्कुल ठीक ठाक है। और गुरुजी तो टेलीपैथी से भी इलाज कर देते हैं, सपने में आते हैं, आपकी सर्जरी कर जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। ऐसा गुरु किस्मत वाले को ही मिलता है। हमारे गुरु की महिमा के जितने गुणगान कर सके उतने ही कम है। और हाँ यही बात है कि ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने आप को नीमा समझ कर जाओ, पूरा ध्यान लगाकर। कुछ लोग अभी भी हमको क्वेश्चन करते हैं कि ये बात ऐसे सुनते हैं क्या ये ठीक है, हम कहते हैं भाई ये तो आपके मानने की बात है, आपका मन मानता है तो ठीक समझ लो, नहीं मानता तो जो मर्जी जानो, पर हमारा तो जो एक्सपीरियंस लाइफ का है, इतने हमने उनके साथ लाइफ बतीत की है कि हम तो एक एक पल के ऋणी हैं उनके, जो उन्होंने हमको सारी मेरी फैमिली को जिंदगी बख्शी है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया हम कभी सोच नहीं सकते थे। जो छोटी बेटी है यहाँ गुड़गांव में रहती है, अच्छा खासा बिजनेस है उनका, तो
बड़े आराम से सब गुरुजी का गान गा रहे हैं। गुरुजी 10-15 दिन के बाद मिल जाते हैं, आकर बातें करते हैं। जब सुबह उठते हैं तो मन बहुत खुश होता है, जैसे जो शब्द गुरुजी के वहां लगे होते थे जब जाते थे, अब भी अगर हम वो शब्द कहीं भी सुन लें तो फिजिकल हम चाहे कहीं मर्जी हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, तो हमारा मन जलंधर गुरुजी के चरणों में पहुंच जाता है। जिस गद्दी पर गुरुजी बैठे होते थे और हम गुरुजी के पास उनकी चेयर के पास बैठे होते थे। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ कि आप सभी भागा वाले हो जिनको ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तारे जी, गुरु जी हम तो हर समय अरदास करते हैं कि जो गुरु परिवार है सभी पर अपने ऐसी ही मेहर का हाथ बनाए रखे। जो भी गुरु जी के भक्त हैं, हमको तो एक फैमिली लगती है। जहां से भी कहीं कोई मिलता है, कोई बात करता है तो बड़ी खुशी होती है। हम एकदम ऐसे ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे इसको हम पहले से ही जानते हैं। इतना कहते हुए मैं समाप्त करूंगी। जब फिर कभी गुरु जी आज्ञा देंगे, फिर मौका मिलेगा तो फिर सत्संग करेंगे। जय गुरु जी।